नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है जीसीसी हब में, जिसमें हम लोग ये हमेशा बोलते हैं कि लेट्स मीट इट टुगेदर। सो ये कम्युनिटी है, ग्लोबल क्रिप्टो कम्युनिटी, जिसमें हम लोग सब मिलके एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सहयोग से हम लोग क्रिप्टो में काफ़ी अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू कर रहा हूँ और इसको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या स्कीम है और कैसे आप बेनिफिट हो सकते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। तो इससे हम लोग भी मोटिवेट रहते हैं और आपको नई नई स्कीम्स और अच्छे वीडियोज़ बना के दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं इवोल्यूशन एंड फ्यूचर ऑफ मनी। तो इवोल्यूशन एंड फ्यूचर मनी मतलब कैसे पैसे ने अपने आप को खुद को ग्रो किया, कैसे हम लोग एज ए ह्यूमन आपस में पैसे का सिस्टम को आगे लेके नए नए आयाम पे लेके गए हैं। तो अगर पहला आप सबसे पुराना देखेंगे तो बार्टर सिस्टम था, जहाँ पे हम लोग कुछ, अगर बाई चांस मान लो मैं किसान हूँ और मुझे मेरे घर के लिए बर्तन खरीदने हैं, तो मैं किसान हूँ तो मैं केवल फसल उगा सकता हूँ, बट मैं क्या बर्तन नहीं बना सकता, तो मैं उस अनाज को देता था बर्तन खरीदने के लिए। तो वो एक सिस्टम हुआ। फिर उसके बाद आपको पता है कि राजा महाराजाओं का टाइम आया, जबकि तब गोल्ड और मेटल्स में होने लगे, और आप देखोगे तो ये गोल्ड और मेटल कॉइन्स में होने लगा। और जब नए नए कंट्रीज बने, हर कोई कंट्री ने ब्रिटिश इंडिया से आज़ादी पाई, तो अपना एक खुद का हर देश ने अपना खुद का एक पेपर करेंसी बनाई, जैसे इंडिया का रुपया है, यूएस का डॉलर है, यूरोप में यूरो चलता है, और आप देख सकते हो कि सिंगापुर में सिंगापुर डॉलर चलता है, रशिया का रूबल है। तो इस तरह से पेपर करेंसी आई जो उसको हमने किया। लेकिन फिर आगे के 5-6 सालों में इतना डिफरेंस आया कि लोग हमेशा कैश लेके नहीं चल सकते थे। मुझे याद है कि अगर बिजनेस करना हो तो किसी को अगर दूसरे सिटी से दूसरे में आना है तो उनको कैश पैसा लेके गड्डी में आना पड़ता था, बट वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता था। उस रिस्क से बचने के लिए, क्योंकि कभी भी आप ट्रेन की ट्रैवल करो, बस की ट्रैवल करो काफ़ी पैसा लेके, तो कभी कभी लूटपाट हो जाती थी और आपके पास कुछ भी नहीं रहता था बचाने के लिए। आप अपनी जान बचाओगे पैसे के आगे, करेक्ट? तो उसका ही एक सोल्यूशन आया, प्लास्टिक मनी, जहाँ पे आपको कि प्लास्टिक मनी मतलब आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, आप उसको रख लो अपने जेब में, आपके पास अगर 1 लाख रुपए भी हैं तो आपको कार्ड से स्वैप करके आप कोई भी चीज़ बाई कर सकते हो। ये तो यहाँ पे ही नहीं रुका। उसके बाद आपने देखा कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ों को प्रमोट किया, पेटीएम आए, गूगल पे आए, ये सब आ गए इलेक्ट्रॉनिक कैश, यानी आपको अब कार्ड रखने की भी जरूरत नहीं है। आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है तो आप बार कोड को स्कैन करके आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो और कोई भी चीज़ खरीद भी सकते हो उसी से, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कैश कहा जाता है। अब इन सबसे बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी आया 2010 में, जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ, उसको कहते हैं, वो एक पार्ट था क्रिप्टो करेंसी का, जहाँ पर ये आयाम बना कि भाई अब हम लोग ना तो डिजिटल करेंगे, हम बस एक कोड डालेंगे कंप्यूटर में, अगर हमारे पास इंटरनेट है हमें बस एक कोड डालना है और वो कोड से उधर पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अगर मोबाइल खो गया या आपका कार्ड खो गया तो आपको तुरंत ही फ्रॉड लॉस लगाने पड़ते थे। यहाँ पे सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना ही कोई कंट्री इसको मैनेज कर सकती है, ना ही ब्लॉक कर सकती है। आप जिसको चाहो पूरी दुनिया में सेम पैसा सेम वैल्यू पर रहेगा, आप उसको इधर से उधर भेज सकते हो। यानी अगर मुझे 1 बिटकॉइन मेरे को रशिया में भेजना है तो मैं रशिया में भेज दूंगा, 1 बिटकॉइन मुझे मेरे दोस्त यूएस में भेजना है तो मैं उसको यूएस में भेज दूंगा, या उसको मुझे 1 लाख रुपए, मान लो 1 लाख रुपए है लेकिन उस वैल्यू 1 बिटकॉइन में जितनी भी आती है वो मुझे भेजना चाहता है, तो उसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी आप देखोगे तो इसमें डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टोग्राफिकली डेवलप्ड डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी, तो ये चीज़ हुआ। उसके बाद आप ब्लॉकचेन देखोगे तो ब्लॉकचेन बेस्ड ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, एवरी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस थ्रू द ब्लॉकचेन। सो ब्लॉकचेन में कैसा होता है कि एक बार जो रूल फिक्स कर दिया गया कि इस वे से ही हमारा पैसा ट्रांसफर होगा, इतना इस पर कमीशन लगेगा, इतने टाइम में ये पहुँचेगा आपके पास, अब उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके पास बस वाईफाई, जैसे मैंने शुरू में बोला, अगर वाईफाई है तो वो उस रूल को फॉलो करके ही आपको पैसा देना है और पैसा लेना है, आप रूल ब्रेक नहीं कर सकते। तो उसी को ब्लॉकचेन कहते हैं, जिसके कारण ये ट्रांसपेरेबल, बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है, यानी सब कोई देख सकता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना दिया था। अब मास्टर नोट्स आर नोट्स इन अ ब्लॉकचेन दैट रिसीव रिवॉर्ड फॉर वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको मास्टर नोट ही वेरीफाई करता है कि कैसे हो रहा है, और उसके अगेंस्ट में आपको रिवॉर्ड भी देता है। मास्टर नोट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिप्टो प्रोपोनेंट्स टू गेन रिवॉर्ड्स ईदर एक्टिवली और पैसिवली, या तो आप एक्टिवली उससे पैसा ले लो या पैसिवली ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब मेथड थे जो हुए, और क्लाउड कंप्यूटिंग आने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ा है। क्लाउड माइनिंग करने लगे लोग,
अब हम बताते हैं कि स्टैकिंग क्या होता है। जैसे हम लोग अगर पैसा अपना फिक्स डिपॉजिट में डाल दिए, राइट, हमने 1 लाख रुपए डाला, बट बैंक ने बोला कि भाई आपको साल का वो 5.5% या 6% देगा, तो साल के अंत में आपको 6% आपको मिल जाएगा। तो स्टैकिंग एक्चुअली एक तरह से RD और FD का एक सब्स्टिट्यूट है। यानी आपने मान लीजिए 1 बिटकॉइन डाला है और आप किसी भी साइट से कर रहे हो, किसी कहीं पे भी कर रहे हो, और वहाँ पे वो साइट आपको प्रॉमिस करती है कि वो साल के अंत में आपको 12% एनुअल देगी, तो वो आपको 12% दे देगी। यानी आपको आपका 1 बिटकॉइन 1.12 बिटकॉइन बन जाएगा। भले उस पर्टिकुलर बिटकॉइन का पैसा ऊपर जाए प्राइस या नीचे जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी आपको 1.12 मिलेगी। तो यहाँ पे क्वांटिटी का फर्क पड़ता है, इसलिए इसको स्टैकिंग कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, स्टैकिंग इज द एक्ट ऑफ होल्डिंग क्रिप्टो इन ऑर्डर टू रिसीव पैसिव रिवॉर्ड, तो इसको पैसिव रिवॉर्ड बोलते हैं। स्टैकिंग अलाउज फॉर पीपल टू स्टैक पॉस कॉइंस और हाइब्रिड कॉइंस ऑन मास्टर नोड्स टू रिसीव रिवॉर्ड, द हायर ऑफ द अमाउंट एंड टाइम ऑफ द स्टैक द ग्रेटर द रिवॉर्ड। तो सेम होता है, जैसे आप अपनी जितने ज्यादा टाइम के लिए रखोगे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनता जाता है, वैसा ही यहाँ पे स्टैकिंग होता है। बट यहीं पे स्टैकिंग नहीं रुकती क्रिप्टो में, यहाँ पे आप अभी मैं इसको बता देता हूं डाइको को। डाइको इज अ सिस्टम ऑफ कमिटी गवर्नेंस, द डाइको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलाउज फॉर द मेंबर्स टू वोट फॉर प्रोजेक्ट्स एंड डिसाइड व्हिच प्रोजेक्ट्स आर फंडेड एंड प्रमोटेड। सो जो बेल्डेक्स का यानी GCC हब है, वो क्या करती है, एक डाइको कम्युनिटी है जो ये डिसाइड करती है कि किस प्रोजेक्ट में हमें पैसा लगाना है और उस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाना है और उसको कैसे प्रमोट करना है, उसको ही हम लोग एक कम्युनिटी गवर्नेंस सिस्टम बोलते हैं जिसका नाम है डाइको। अब हम बताते हैं कि हु वी आर। GCC हब इज ए कम्युनिटी ऑफ क्रिप्टो इन्थोसिस ट्रेडर्स माइनर्स एंड डेवलपर्स। तो अगर आप देखोगे तो GCC हब में सभी लोग हैं। कि इन्थोसिस्टिक, जैसे मैं माइनर नहीं हूँ, डेवलपर नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता डेवलपिंग, कोडिंग नहीं कर सकता, मैं बस इसको, मेरे में इन्थोसिस्ट है, मैं इतना एनर्जेटिक हूँ कि मैं, मुझे इसको प्रमोट करना है, मुझे इस कॉइन को आगे बढ़ाना है, इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ कि आपको दिखा सकूँ। इनका GCC हब का विजन और मिशन भी आप मेंशन किया हुआ है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं करता हूँ। What does GCC Hub does? Individual success, एक अकेले को भी फायदा पहुंचाता है, crypto knowledge आपको देता है, identifying, और ये साथ में ऐसे ऐसे projects में ये पूरा group ढूंढता रहता है कि किस projects में हम लोग stacking करें या हम लोग invest करें कि उसमें हमें सबसे ज़्यादा फायदा मिल जाए। क्योंकि आपको भी पता है कि crypto का ऐसा market है कि हमें कई बार हम लोग पैसा लगाते हैं और वो coin ही खत्म हो जाता है, zero हो जाता है। देखिए coin कम होना ठीक है, बट कई ऐसे coin आते हैं जो आए, पैसा लेते हैं और चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्रिप्टो नेटवर्किंग, अब हमारा पैसा आया कनेक्टिंग क्रिप्टो ट्रेडर्स, यानी अब जब हम पैसा लगा रहे हैं GCC हब में, तो मैंने पहले ही जैसे बोला GCC हब इज़ ए कम्युनिटी, तो एक कम्युनिटी बनाती है और एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम लोग साथ में आगे बढ़ते हैं, और मार्केट में कैसे इसको आगे लेके जाना वो स्ट्रैटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो काम GCC हब का है, हमारा नहीं है, हम एज ए यूज़र हैं, बट हाँ हम इसको प्रमोट कर सकते हैं, और प्रमोट करने का हमारा फ़ायदा ये होता है कि हम स्टैकिंग रिवॉर्ड पाते हैं, मास्टर नोट्स रिवॉर्ड मिलता है, और बल्क कम्युनिटी बिल्ड, एक कम्युनिटी भी हम बिल्ड करते हैं जो कि एनी हाउ हमें भी फायदा देता है और GCC हब को भी देता है। व्हाई GCC हब? अनलाइक सम क्रिप्टो कम्युनिटीज दैट ओनली शेयर क्रिप्टो नॉलेज, GCC हब शेयर्स बोथ क्रिप्टो नॉलेज एंड प्रोवाइड्स अ वे ऑफ कम्युनिटी टू गेट रिवॉर्ड एक्टिवली एंड पैसिवली। आपने कई कम्युनिटी देखी होगी जो आपको केवल नॉलेज देते हैं। नॉलेज बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें बुरा होता है कि उसमें कुछ आपको बता रहे हैं आप नहीं सीख रहे, सीखना हमेशा बहुत ही ज़रूरी होता है। तो GCC हब भी वो करता है, लेकिन GCC हब ये भी करता है कि आप उसमें अगर आप सीख रहे हैं तो वो आपको गाइड भी करता है कि आप और कैसे पैसे कमा सकते हैं उसी नॉलेज से और उसी अपॉर्चुनिटी से। अब हमारे पास क्या स्टैकिंग प्लान है? GCC हब में स्टैकिंग प्लान दो टाइप के हैं, एक रेगुलर है, ग्रुप इंसेंटिव है। रेगुलर में आप करते हो तो 18 महीने में 235% आपको इनकम बनता है। मान लो आपने एक्स अमाउंट लगाया, या चलो एग्जांपल लेते हैं 1 लाख रुपए लगाया, तो आपको उसका 235% मिलेगा 18 महीने में, और वो 235% में दो पार्ट में डिवाइड होता है। 135% अवेलेबल बैलेंस में रह जाएगा और 100% बोनस बैलेंस आप जब चाहो तब निकाल सकते हो। सेम अगर ग्रुप इंसेंटिव करते हो, यानी ग्रुप इंसेंटिव यानी आप जब उसको प्लान को प्रमोट करते हो, लोगों को बताते हो, वो एक तरह से आपका ग्रुप इंसेंटिव बनता जाता है। जैसे ही मैं प्रमोट कर रहा हूँ अभी, आप जिसमें ज्वाइन करते हो, आप मुझे 1% आपके जो आपके अमाउंट इन्वेस्टमेंट है उस पर मुझे मिल जाएगा, जो मैं स्टैकिंग न्यू स्टैकिंग पे मिलेगा, और उस स्टैकिंग 8% में 50% अवेलेबल होगा अर्निंग बैलेंस के लिए, 40% अवेलेबल होगा न्यू स्टैकिंग के लिए।
उसी का दूसरा 50% अवेलेबल होगा स्टैकिंग बैलेंस के लिए, जहां पे 10% अवेलेबल होगा न्यू स्टैकिंग के लिए। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब हम इन्वेस्ट करने लगते हैं तो हम इसको और ज्यादा समझने लगते हैं। देखिए, कोई भी चीज हमें एक बार में समझ नहीं आती, जब हम बार बार उस चीज को करते हैं तो हमें धीरे 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 वो बैलेंस बनाना आ जाता है। जैसे साइकिल का एग्जाम्पल है, शुरू में साइकिल हमसे बैलेंस ही नहीं होती, हम कभी राइट लेफ्ट गिर जाते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बाद में ऐसा होता है कि हम बात करते हुए भी साइकिल गाड़ी ये सब चलाते चले आते हैं और गाड़ी अपने आप चलती आती है। अब यहाँ पे स्टैकिंग ऑप्शन क्या है? यहाँ पे पहला ऑप्शन है 100% एक्सचेंज या वॉलेट, दूसरा है 100% अवेलेबल बैलेंस रीटॉप अप आप कर लो, दूसरा है, तीसरा है 50% एक्सचेंज या वॉलेट में 10% स्टैकिंग बैलेंस में जाता है, 40% अर्निंग बैलेंस में जाता है, चौथा होता है 50% एक्सचेंज बैलेंस जो है वो 10% बोनस बैलेंस में और 40% अर्निंग बैलेंस में जाता है। सेम बेस्ट वैल्यू ऑफ स्टैकिंग BVS प्लान, इसको BVS कहते हैं। आप अंदर जाओगे तो इसमें एक BVS है जिसको बेस्ट वैल्यू स्टैकिंग कहते हैं, जिसमें रेगुलर एंड फिक्स्ड दोनों है। मान लो आपने 5 साल के कूलिंग पीरियड में डाला तो रिवॉर्ड एज मंथली ROI, रिवॉर्ड जो आपको मिलता है वो मंथली मिलता है, और कैपिटल जो मिलता है टोटल कैपिटल जो है आपका एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी यानी 5 साल के बाद मिल सकता है। सेम अगर फिक्स करते हो तो 5 ईयर्स का कूलिंग पीरियड है जिसमें कैपिटल एंड रिवॉर्ड दोनों मेच्योरिटी पे मिलते हैं हमें। ये आप चूज कर सकते हो, मैंने तभी बोला कि ये कम्युनिटी ऐसे काम करती है कि आप अपने हिसाब से डाल सको। अब बेस्ट वैल्यू अभी इसमें रिवॉर्ड का देखिए कैसे है। अगर मान लो आपने 5000 से 50000 तक का कॉइन खरीदा तो आपको फिक्स्ड रिवॉर्ड 400% तक का मिलेगा और रेगुलर रिवॉर्ड जो आते रहेंगे आपको 3% आएंगे। सेम अगर आप 1 लाख तक का डालते हो तो 425% मिलेगा, 3.25% का रेगुलर रिवॉर्ड मिलेगा। सेम अगर आप 5 लाख डालते हो तो आपको 500% का फिक्स्ड रिवॉर्ड मिलेगा और 4% रेगुलर रिवॉर्ड मिलता रहेगा। अब क्या होता है कि आप अवेलेबल बैलेंस में जाते हो, स्टैकिंग रिवॉर्ड स्टैकिंग मेच्योरिटी है ही आपके पास, अर्निंग कैपिटल 50% ऑफ ग्रिप इंसेंटिव आपको मिल ही रहा है, बोनस 100% इंस्टेंट क्रेडिट फॉर स्टैकिंग अमाउंट, जो स्टैकिंग का क्रेडिट मिलता है वो आपको तुरंत ही आप 100% मिलता है और आप उसको चाहो तो आप निकाल भी सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड स्टैकिंग बैलेंस में क्या होता है, 50% ग्रुप इंसेंटिव होता है, ये आपको हमेशा मिलता रहेगा आपके वॉलेट में। अब अवेलेबल बैलेंस की बात करें तो हम इसको कहाँ पे, आपको स्टैकिंग रिवॉर्ड मिल गया है क्रेडिट में, स्टैकिंग मेच्योरिटी FD एज FD जैसे मैंने बोला था क्रेडिट में आ जाता है, आप उसका यूज क्या कर सकते हो, आप उसको विदड्रॉ कर सकते हो, उसको आप चाहते हो कि स्टैकिंग बैलेंस में कन्वर्ट करना चाहो तो आप स्टैकिंग में कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि उसको बोनस बैलेंस में डाल दो तो आप बोनस बैलेंस में भी डाल सकते हो, और आप चाहते हो कि आपके जो अमाउंट वहां पे स्टैकिंग के लिए रखा हो आप उसको रीटॉप अप कर दो तो आप वो भी कर सकते हो। अब अर्निंग बैलेंस को समझते हैं। अर्निंग बैलेंस में क्या होता है कि ग्रुप इंसेंटिव 50% आ गया जो मैंने पहले बताया था, अब स्पॉन्सर से जो आपको पैसा आता है क्रेडिट वो भी आपको रिसीव होता है, अब उसका आप यूज कैसे कर सकते हो, उस अर्निंग बैलेंस का 40% अवेल आपको न्यू स्टैकिंग में लगा देते हो, आप उसको अपनी टीम को भी ट्रांसफर कर सकते हो पैसे को, अगर आप चाहते हो अपनी टीम के नीचे किसी के पास, मान लो आज के टाइम पे स्टैकिंग के लिए पैसा नहीं है बट उसका टाइम आ गया कि अगर वो स्टैकिंग करेगा तो उसको बेनिफिट मिल सकता है, तो आप उसके टीम आप अपनी टीम को भी ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर आप बोनस बैलेंस में ट्रांसफर कर दो यानी कन्वर्ट कर दो। अब देखते हैं स्टैकिंग बैलेंस, 50% स्टैकिंग बैलेंस रिसीव फ्रॉम स्पॉन्सर यानी मेरा कोई स्पॉन्सर है वो उसके थ्रू हमें मिलेगा, जैसे मैंने बोला कि आप ट्रांसफर कर सकते हो आपके नीचे को, तो सेम आपका अपलाइन भी आपको ट्रांसफर कर सकता है, आपका कन्वर्ट योर अवेलेबल बैलेंस, आपके अवेलेबल बैलेंस को आप कन्वर्ट कर सकते हो एज ए क्रेडिट, और उसका यूज क्या होगा, आप 10% अवेलेबल होता है न्यू स्टैकिंग के लिए, आप चाहो तो उसका 10% आप न्यू स्टैकिंग में डाल दो, या आप फिर से अपने नीचे डाउनलाइन को अपनी टीम को ट्रांसफर कर दो पैसा, यानी आप हम लोग एक दूसरे को ही संभाल रहे हैं। आप अभी तक देखोगे 3 से 4 स्लाइड में हम नीचे ट्रांसफर कर रहे हैं छोटा अमाउंट, ऐसा नहीं कि 100% ट्रांसफर कर सकते हैं बट परसेंटेज वाइज उन्होंने बांट दिया है। अब बोनस बैलेंस में क्या होता है, आप देखिए क्रेडिट क्या होता है, बोनस बैलेंस हमें मिलता है 100% स्टैकिंग वॉल्यूम इंस्टेंटली क्रेडिट हो जाता है, ठीक है, रिसीव फ्रॉम योर स्पॉन्सर बोनस, जो आपका स्पॉन्सर है वहां से भी आपको बोनस मिल सकता है, क्रेडिट फ्रॉम योर अवेलेबल बैलेंस, जहां से आपका आपके पास अवेलेबल बैलेंस है आप उसमें से भी क्रेडिट उठा सकते हो और आगे ट्रांसफर कर सकते हो, क्रेडिट फ्रॉम योर अर्निंग बैलेंस, आपका जो अर्निंग बैलेंस है वहां से भी आप क्रेडिट ले सकते हो और उसको यूज कर सकते हो अपनी टीम को प्रमोट करने के लिए या फिर आप न्यू स्टैकिंग में लगाने के लिए 10% को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप वहां पे लगाओ। अब आगे जाते हैं ग्रुप इंसेंटिव सीलिंग। अब इसमें स्टैकिंग का देखिए, आपने मैंने बताया कि स्टैकिंग की सीलिंग क्या है, 5000 पे 5000 की सीलिंग है, 10000 पे 10000 है, 15000 पे 15000 है, 20000 पे 20000 है, 25000 पे 25000, 5000 पे 5000 है, 1 लाख पे 1 लाख, 1 लाख पे
70,000 है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये चेंज हो गया, जो सीलिंग है वो आपका 70,000 मैक्सिमम, यानी 1 लाख पे भी 70,000 है, 2 लाख पे भी 70,000 है, 5 लाख पे भी 70,000 की सीलिंग है। अब यहाँ पे आपका रिकॉग्निशन, जैसा हमने बोला था कि आप अचीवमेंट करते हो, आपकी टीम बनाते हो, आप कम्युनिटी में प्रमोट करते हो, स्टैकिंग करते हो, तो आपको कैसे होता, आप इसको 1000 BDX मंथली से डिसाइडर से ज्वाइन भी कर सकते हो, या 5000 इज द बेस्ट माना जाता है, जिसमें 5000 से आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, आप बिलीवर बनते हो, जहाँ पे 7500 BDX होता है, जो मंथली टारगेट होता है, जिसका टोटल बोनस आपको 400 BDX है, जहाँ पे आपको लेफ्ट में 2 डिसाइडर यानी 1000 वाले, राइट में 2 डिसाइडर आपको लगाने पड़ेंगे, तो ईच डिसाइडर अर्निंग 1000 BDX होती है, तो हर डिसाइडर की अर्निंग 1000 हो जाती है। इस वे से करते करते आप टाइटन तक जा सकते हो, जहाँ पे 1 Calisto एंड राइट में Calisto, यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा एक है, ये इतना आसान नहीं है समझना, मैं इसमें इस वीडियो में बनाना भी नहीं, बताना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये अलग से ही टॉपिक है जिसमें हम लोग पूरी चीज़ें बता सकते हैं। आगे जाते हैं, बोनस बैलेंस एक्टिविटी 4 मंथ्स फॉर ऑल स्टैकिंग। फर्स्ट, इफ 100% इज अनयूज्ड एट द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ, अ 50% बोनस एक्सपायर। ये भी इन्होंने बोला है कि आप उसको प्रमोट कीजिए, आप उसको यूज़ कीजिए, वरना आपका वो बैलेंस जो आपको मिला हुआ है वो एक्सपायर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि हमारे पास टाइम बाउंडेशन होता है कि हम लोग काम करें और उसको आगे बढ़ाएं। अगर 100% यूज एट द एंड ऑफ द 4th मंथ, द रिमेनिंग 50 बोनस एक्सपायर। तो यहाँ पे ये एक्सपायर ही बोल रहे हैं, अगर आप नहीं कर पाओगे तो होगा। अब पावर रिसेट क्या होता है, पावर रिसेट विल वॉइड ऑल एग्जिस्टिंग बैलेंसेस। पावर रिसेट इज अ वे ऑफ आवर मेंबर्स टू यूटिलाइज देयर स्टैकिंग टू इट्स फुल पोटेंशियल। यानी आप अगर चाहते हो आप रिसेट करके, जैसा 10% आप डाल लेते स्टैकिंग में, पुराने पीछे जाओगे आप 4-5 मिनट पहले 2-3 स्लाइड पर, आप देख सकते हो कि 10% न्यू स्टैकिंग में हमेशा डालने को बोल रहे थे। इट इज इम्प्लीमेंटेड एवरी मंथ एंड विल बी नोटिफाइड प्रायर टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन। यानी वो लोग आपको बता भी देंगे कि क्या हो रहा है और कब हो रहा है। A to B matching bonus. How can member require the team benefits? तो जैसा मैंने बोला आपको, अगर आप इसको join करते हो तो आप, ये हमेशा बोला जाता है कि आप खुद से join मत कर लो, आप बेटर है कि आपके अपलाइन से बात करो, या जिसके भी रेफरल लिंक से आप जुड़ना चाहते हो BDX में, आप उन GCC हब में, आप उसको उस अपलाइन से बात करो कि हाँ मैं जुड़ना चाहता हूँ, आप उसको बताओ कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो आपको पावर लेग दे देगा। यानी अगर उसका ए लेग बहुत अच्छा जा रहा है, उसके पास ऑलरेडी प्रॉस्पेक्ट्स हैं जो आरकने वाले हैं, तो वो अगर आपको, आप पहला पैसा डालोगे तो वो आपको ऊपर डाल देगा, बाकी जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसको आपके नीचे ऑलरेडी ए मेल चला जाएगा। मान लीजिए वो ए यानी राइट हैंड साइड को स्ट्रांग कर रहा है, तो आपका राइट हैंड साइड का तो आपका अपलाइन ही मैनेज कर लेगा, राइट, आपका अपलाइन मैनेज कर लेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपको मेहनत करनी है, तो घूम फिर के अगर आप देखोगे जाए, देखा जाए तो आपको 50% मेहनत ही करनी है, उससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। और अगर आप GCC हब को देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो ये हर जगह फीचर हो चुका, वॉल स्ट्रीट में भी आया, इनका स्टेट जर्नल में भी है, us.com पे भी है, इनके बारे में आर्टिकल आ चुका, क्योंकि बिटकॉइन को भी इन्होंने प्रमोट किया था काफ़ी हद तक, तो उसका भी बहुत बड़ा फायदा हुआ था। तो यही बताना चाहता था। अगर आपको और भी कुछ नॉलेज चाहिए, देखिए ये स्लो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको एक ही महीने में आपको 50% 60% कमा के देगा, नहीं, साल में आपको 235% मिनिमम मिलेंगे, आपको 235% साल के अंत में मिनिमम मिलते हैं। और अगर आप ग्रुप बनाते हो, आपकी कम्युनिटी बनाते हो, तो वो 235% इज अ मिनिमम है, आप 500% 1000% वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टीम कैसे बनाते हो और किस हिसाब से इसको स्ट्रेटेजिकली लेके जाते हो आगे, तो आप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर आप सबके इतने मूल्यवान वक्त के लिए। हम प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए कि हम आपके लिए और अच्छा वीडियो ला सकें। थैंक यू वेरी मच, आप सबका दिन शुभ हो।